हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज स्पेगेटी, और वो भी घर में। ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने सेमोलिना स्पेगेटी ली है। ये व्हीट फ्लावर से ही बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया, उसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालकर। अब देखिए, स्पेगेटी को उबालने का एक स्पेशल तरीका होता है। इस तरह से हम इसको सीधा ही डालेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं। तोड़ने से जो इसकी लंबाई है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए हम इसे इस तरह से बॉईल करना है। जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इस तरह से हम इसको अंदर को धकेल देंगे। तो देखिए, इस तरह से ये लंबी ही रहती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको बनाने का। ये ओवर कुक नहीं होती है, तो आप इसको अच्छी तरह से पका लें। तब तक देखिए, हम यहाँ पर सब्जियाँ काट रहे हैं। यहाँ पर मैंने मशरूम्स लिए हैं। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्ज़ियाँ ले सकते हैं, और सब्जियों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को भी लिया है, और यहाँ पर देखिए हमारी स्पेगेटी जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसको हमें थोड़ा सा जैसे अलाकात, दैट मीन्स थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए अंदर से, तो इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए, इसको तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है तेल के लिए हैं। इसको जैसे ही हम अच्छी तरह से गर्म कर देंगे, इसे हमें गर्म करना है। और देखिए, इसके अंदर अब हम जो है जिंजर, चॉप जिंजर डालेंगे, चॉप्ड गार्लिक और जिंजर जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कटी हुई जो सब्जियां हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, बीन्स और गाजर, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है और ये जल्दी से पक जाए, इसलिए मैं इसको पहले डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप हार्ड सब्जियों को पहले अच्छी तरह से सॉटे कर लें। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं इसके अंदर प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को प्याज बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और इसके साथ जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर कैप्सिकम डाला है, क्योंकि कैप्सिकम थोड़ा सा क्रंची ही अच्छा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए, अब हम तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह से सॉटे करेंगे। यहाँ पर मैंने मशरूम्स डाल दिए हैं, नहीं तो मशरूम्स जो हैं वो काफ़ी पानी छोड़ देते हैं। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आपके मशरूम्स पानी ना छोड़ें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर दिखाया जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, और उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक डालूँ सीजनिंग के लिए, ताकि हमारी सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी सी सीजन्ड हो जाएँ। तो जैसे ही ये अच्छी तरह से सॉटे हो जाएगा, तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये हो गया है, और इसका इसमें बहुत ही कम तेल लगता है। काफ़ी प्रोटीन रिच और काफ़ी एनर्जी रिच जो है ये हमारी रेसिपी बनती है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर शेजवान सॉस डाली है। आप चाहें तो पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 या 3 चम्मच जो है आप इसके अंदर डालें। अब देखिए, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो पानी हमने उबालने के लिए इस्तेमाल किया था वो मैंने थोड़ा सा रख लिया था, तो मैंने वो डाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं मेयोनीज डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है मेयोनीज, पर इससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। और अगर आपको पानी कम लग रहा है, तो आप वही पास्ता वाला पानी, यानी कि स्पेगेटी जिसमें हमने बॉईल किया था, वही पानी आप इसके अंदर इस्तेमाल करें। तो देखिए, अब इसके अंदर मैं बॉइल्ड स्पेगेटी जो है वो डाल दूँगी। बिना पानी के हमें डालना है। पहले ही मैंने इसको ड्रेन करके रख दिया था। तो देखिए, इसको हमें अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देना है, और अब हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। कई लोग इसके अंदर क्रीम डालते हैं, पर ऐसे बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहता है और बहुत ही डिलिशियस बनता है। तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।